हाँ बोलिए अशोक जी। ये स्वसंवेदन जो है हाँ तो स्वसंवेदन को हम अपने ज्ञान से रिलेट कर सकते हैं, गुरु उपदेश अभ्यास और अपने ज्ञान से स्वपर। हाँ एक बार वापस से बोलना क्या। हाँ हाँ स्वसंवेदन माने अपना जो स्व की अनुभूति है उसका नाम स्वसंवेदन कहा है। स्वसंवेदन माने स्व का जो अनुभव है, स्व का जो वेदन है, स्व की संवित्ति माने स्व की अनुभूति, वही स्वसंवेदन है। हाँ जी बोलिए आशा जी। अविना भाव माने जो जिसके बिना भाव ना, जो जिसके बिना ना, बिना माने बिना, जिसके बिना जिसका अभाव, जैसे अग्नि और उष्णता का क्या है, अविना भाव। अग्नि उष्णता के बिना नहीं मिलेगी, उष्णता अग्नि के बिना भी नहीं मिलेगी, उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं, क्या अविना भाव। हाँ और कौन बोल रहा है, और किसको पूछना है। हाँ बोलिए अखिलेश जी। स्वसंवेदन ज्ञान गुण में चारित्र में अपने आप एक शायद चुगड़ी का अभाव होगा, ये चारित्र का कार्य। हाँ नहीं वो तो आगे की बात है, अभी तो स्व का संवेदन भी हो गया, अभी तो इतने ही, इतनी स्थिरता तो आगे होगी, अभी तो इतना ही काम हुआ है कि उसको निज की अनुभूति प्रकट हुई और अनुभूति पूर्वक उसको जो है अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, क्योंकि स्व की अनुभूति होते ही जो अनंत क्रोधमान माया लोभ है अनंतानुबंधी संबंधी, उसका सह उसका नियम से अभाव हो जाता है। हाँ और कोई, और कोई प्रश्न नहीं किसी का। हाँ वंदना जी बोलिए। हाँ बोलिए वंदना जी। हाँ और उसके बाद भी जैसे स्व की अनुभूति के बाद जो भेद विज्ञान प्रकट हुआ, और भेद विज्ञान प्रकट होने से जो मिथ्यात्व और कषाय का अभाव हुआ, तो उस कषाय और मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक की जो सुखानुभूति है उसके बाद भी बरकरार रहेगी, जब तक स्व और पर का भेद विज्ञान बना है, जब तक सम्यक दर्शन बना है तब तक सुख बना रहेगा, और जैसे ही स्व और पर को फिर अभिन्न अनुभव किया ऐसे ही दुख फिर से प्रारंभ हो जाएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद भी वैसा तो नहीं होगा, लेकिन सम्यक तो जन ने जो सुख है वो तो बाद में भी, जब तक श्रद्धा बना रहेगा तब तक वो सुख भी बना रहेगा। वैसा उसको मोक्ष सुख की जाति का तो नहीं कहेंगे, लेकिन श्रद्धान जरूर उसी जाति का है। श्रद्धा का भी तो सुख है, एक मेरे को जो श्रद्धा है, जैसे मेरे को करोड़पति की श्रद्धा है, भले ही मैं करोड़ रुपए खर्च कभी कभी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में, मेरे को जो अंदर में जो प्रतीति बनी हुई है कि मैं अरबपति हूँ, मैं खर्च तो कभी कभी करता हूँ, एक एक करोड़ रुपए, लाख रुपए भी, मतलब पैसा तो हम कभी कभी खर्च करते हैं, लेकिन अंदर की प्रतीति का स्वाद लेते हैं कि नहीं अपन हमेशा। तो ऐसे ही आत्मा का अनुभव तो कभी कभी करते हैं, लेकिन वो ऐसा आत्मा मैं हूं और उस अपने आप के अद्वितीय वैभव का जो श्रद्धा है उसका सुख तो बराबर बना ही रहता है। और कोई प्रश्न नहीं, चले आगे फिर अपन, चलिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन। देखो
जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से, तीनों चीजें आ गई कि नहीं आ गई, देखो तीनों चीजें आई कि नहीं आई, गुरु अर्थात धर्माचार्य के उपदेश से, शास्त्राभ्यास के निमित्त से और आत्मा के संवेदन से स्व और पर के भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वो आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। जो अपने आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करेगा, ऐसे ही आत्मा को मुक्ति को सुख का अनुभव होगा, क्योंकि मोक्ष सुख तो एकमात्र अपने आत्मिक सुख का नाम है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा का सुख ही मोक्ष सुख है। तो जहां शुद्ध आत्मा का सुख मोक्ष सुख का है, तो वहां कहीं भी परद्रव्य नहीं आना चाहिए। तो इसलिए जो भी परद्रव्य से भिन्न अनुभव करेगा अपने को, वही जीव उस मोक्ष सुख को अनुभव करेगा। जो अपने को परद्रव्य से मिला हुआ अनुभव करेगा, वो तीन काल में भी कभी शुद्ध आत्मा के अनुभव रूप मोक्ष सुख को नहीं पा सकेगा। बराबर समझ में आ रही है? पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता एकाग्रता प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं? जिसने पर से भिन्न आत्मा का अनुभव किया है, वही आत्मा में स्थिरता होगी। बिना श्रद्धान के स्थिरता कैसे होगी? जब तक भेद विज्ञान उदित नहीं होता, तब तक आत्मा में निशंक स्थिरता कैसे होगी? जब तक उसमें अपनापन नहीं आएगा, तब तक उसमें निशंक रूप से स्थिर कैसे होगा? उसमें अपनापन आए कि हाँ ये मेरा है, मैं हूं, अपनेपन की अनुभूति होने के बाद फिर वह निशंक हुआ जाता है, और जब तक अपनेपन की अनुभूति नहीं है, तब तक वह निशंक नहीं हो पाता। देखो समझ लो, मैं आपके घर आया है ना, और आपने मेरे को बहुत कहा कि पंडित जी आपका ही घर है, आप आराम से पांव फैला के सो, जैसे रहना रहो, लेकिन इतना होने पर भी क्या आपने कितने पूरा मकान खाली करके दे दिया, कोई नहीं आएगा यहाँ, क्या सबको कह दिया कोई नहीं आएगा, ये सब है, लेकिन तो भी आपको उसमें निशंक रूप से वहां स्थिरता होती है? क्यों? जैसे अपने घर में अपन निशंक रूप से स्थिर होके कहीं भी कैसे भी बैठते हैं, चलते हैं, कितनी निशंकता होती है? क्यों नहीं, क्यों निशंकता है अपने घर में, और दूसरों के घर में निशंकता क्यों नहीं है? भले ही उसने कह भी दिया कि इसे आप अपने ही घर समझो, या आपका ही घर है, किसी और का नहीं है, लेकिन फिर भी उसके घर में वो निशंकता नहीं आती, क्योंकि उसमें अपनापन नहीं। और अपन अपने घर में चाहे कोई कितने ही कह दे, अरे वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, तो मैं अपनी पत्नी को डांटते, तो आने वाले तो आएंगे क्या? हम अपने घर में ही अपने हिसाब से नहीं बैठेंगे क्या? हम अपने घर में बिल्कुल निशंक है, क्यों? अपने कोई डर नहीं, अपने घर में बोले कोई पुलिस वाला भी आने वाला हो तो आ जाए, जिसको पकड़ना आ जाओ आ जा, अपने घर में तो हम शेर है, अपने घर में हम पूरी तरह से निशंक है, इसलिए अपने घर में हम स्थिर हो सकते हैं। देखो कई लोगों को जैसे बाहर गांव कहीं भी जाना हो, लेकिन उनको भी फिर भी अपने घर आके बहुत ऐसा लगता है कि यहाँ अपन बिल्कुल निशंक हो गए, चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपने घर में अपने को अपनापन होने से उसमें निशंकता का अनुभव होता है। और बाहर आप कितने चले जाओ, सब कपड़े ले जाओ, खूब कमरा भी बड़ा ले लो, सब कर लो, इवन बाहर चले जाओ, लेकिन तो भी मतलब यात्रा आदि पे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अपने को फिर भी वहां थोड़ा संकोच का अनुभव होता है, होता है कि नहीं होता? अपने घर में जितनी निशंकता है, क्या उतनी पराए घर में है अपने को? नहीं है, क्योंकि अपने घर में अपने को अपनापन है, इसलिए वह निशंक रूप से स्थिर हुआ जाता है। तो ऐसे ही जब तक हमारा आत्मा में अपनापन नहीं होगा, तो हम उसमें स्थिर कैसे होंगे? अपनापन होगा तो स्थिर होंगे, अपनापन ही नहीं है इसमें कि ये मैं हूं, तो उसमें लीन क्यों होंगे? अभी तो हमारा ये अपना घर ही नहीं लग रहा हमको कि हमारा घर है, अभी हमको ये लग रहा है कि किसी पड़ोसी का घर है। आत्मा माने कोई परद्रव्य है, इसलिए उसमें निशंक रूप से स्थिर नहीं हुआ जाता। और देह अपने को क्या लगती है कि ये अपनी है, तो वहां अपन निशंक रूप से क्या होते हैं, स्थिरता पूर्वक जम जाते हैं, वहां अपनी स्थिरता होती है, होती कि नहीं होती स्थिरता? देह में जमे हुए हैं क्योंकि उसमें अपनापन है, और आत्मा में परायापन है, इसलिए उसमें निशंक रूप से स्थिरता नहीं होती।
तो स्थिरता होने का सबसे पहला उपाय क्या है? अपनापन। जब तक अपनापन नहीं होगा उस जगह स्थिर नहीं होगा। अपनापन होगा वहां निशंक रूप से स्थिर होगा। तो पहले अपने आत्मा में हो अपनापन, अपने आत्मा में अपनापन होगा तो अपने में स्थिर हुआ जा सकेगा, और अपने में अपनापन नहीं है तो अपने में निशंक रूप से स्थिरता भी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा पढ़ से भिन्न आत्मा का अनुभव करेगा, माने अपनापन होगा अपने में, अपने आत्मा का अनुभव करने पर ही अपने में अपनापन आएगा। अपनापन आने पर ही अपने आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता एकाग्रता होती है, और जब अपने में उत्कृष्ट स्थिरता एकाग्रता प्राप्त होती है तो ही वो जीव वचनातीत अतीन्द्रिय स्वाधीन आनंद का क्या करता है? अनुभव करता है। ऐसा जीव ही वचनातीत अतीन्द्रिय स्वात्माधीन आनंद का अनुभव करता है। बराबर समझ में आ रहा है? अब देखो अब आगे चलते हैं अपन। फिर शिष्य पूछता है कि संदर्भ में गुरु कौन है, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु है? तो गुरु कहते हैं, समझ में आया ना? पहले तो उसको प्रेरणा दी कि जो जीव सौर पर का भेद विज्ञान करके अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता करेगा, ऐसा जीव वचनों से अतीत, जिसको वचन से नहीं कहा जा सकता, ऐसे अतीन्द्रिय और आत्माधीन आनंद का क्या करता है? अनुभव करता है। तो अब उसको ऐसी प्रेरणा देने के बाद कि ऐसा अनुभव होगा, तेरे को ऐसा आनंद मिलेगा, तो अब ये जीव पूछता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई चीज की रुचि उत्पन्न कराई जाती है, रुचि नहीं कराओ तो आदमी पूछता ही नहीं कि इसका टीचर कौन। अपन को पहले बताना पड़ता है, देखो ये आप योग बहुत अच्छे सीख लो, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, क्या आप इंजीनियरिंग कर लो आप बहुत अच्छा रहेगा, डॉक्टरी कर लो बहुत अच्छा होगा। तो फिर वो पूछता है कि आप ये बताओ कि इस इंजीनियरिंग के कोच कौन, कोचिंग कहाँ अच्छी है, डॉक्टरी की कोचिंग कहाँ अच्छी है, योग गुरु कौन है। तो ऐसे ही जब वो बताया कि इस आत्मा का और पर का भेद विज्ञान करेंगे तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, अतीन्द्रिय वचनातीत आत्माधीन आनंद की अनुभूति होगी। तो अब शिष्य पूछता है कि संदर्भ में गुरु कौन है, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु है, माने कौन गुरु, किसको हम गुरु बनाए जिससे हमें मोक्ष सुख का अनुभव हो, ऐसी मोक्ष सुख की अनुभूति हमें कैसे हो, उसके लिए हम किसको गुरु बनाए, कौन उसके लिए हमारा गुरु है, ये बताइए आप। तो अब उसके लिए आचार्य कहते हैं, देखो पढ़ते हैं अपन आगे। स्वस्मिन् सदा विलाषित्वात् अभिष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हिततम प्रयोक्तृत्वात् आत्मेव गुरुरात्मनः। पढ़ेंगे आप लोग, पढ़िए। किसी एक जने को किसी को संस्कृत का कॉन्फिडेंस है तो एक जना पढ़ा है कोई, ये तो इससे मजा नहीं आ रहा अभी। कोई भी एक व्यक्ति जो हाथ खड़ा करे जिसको कॉन्फिडेंस हो कि मैं पढ़ लूंगा अच्छे से। चलो मैं फिर पढ़ता हूं। तो स्वस्मिन् सदा विलाषित्वाद् विष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हिततम प्रयोक्तृत्वाद् आत्मैव गुरुरात्मनः। अर्थ पढ़ते हैं पर हिंदी इसका है ना, निज हित अभिलाषी स्वयं निज हित ज्ञायक आप निज हित प्रेरक है स्वयं निज गुरु आप अमाप। पढ़ेंगे आप, पढ़िए।
हाँ अंकिता जी पढ़िए। बहुत बढ़िया। निज हित अभिलाषी स्वयं, निज का हित का अभिलाषी कौन है? अपने आत्मा के हित का अभिलाषी कौन है? ये जीव स्वयं ही है। और अपने हित का ज्ञायक कौन, अपने हित को जानने वाला कौन है? वो भी अपन ही है। अपने हित की प्रेरणा देने वाला कौन है? वो भी अपन ही है। अपने गुरु कौन है? इसलिए अपन ही है। मैंने किसको गुरु बनाए ये गाथा थी, तो अपन सोच रहे थे कि अब ये बताएंगे कि किसको अपने को गुरु बनाना चाहिए, वो गुरु कैसा दिखना चाहिए, कौन से मूल गुण पालन करना चाहिए, किन किन ज्ञान कौन कौन से ज्ञान आदि गुणों से सहित होगा, कैसा होगा, उसको हम कैसे पहचानेंगे। क्यों? गुरु कहते हैं अपने को कौन गुरु दिखता है? पर गुरु दिखता है कि आत्मा गुरु दिखता है? बताओ, गुरु कहते हैं अपने को किसका ध्यान आया था? क्यों, ईमानदारी से बताओ, गुरु कहते हैं कौन ध्यान आया था अपने को? भैया अपने को किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, हो सकता है पंडित जी खुद को गुरु बता दें। ध्यान अपना अपने पे आया था कभी कि अपन अपने ही गुरु कहलाएंगे यहाँ, कि अपने को दूसरे कोई गुरु दिख रहा था? बताओ ईमानदारी से बताओ। हाँ, महाराज जी हो, आचार्य परमेष्टि हो, उपाध्याय परमेष्टि हो, तो हमको तो लग रहा था आज अपने को समझ में आ जाएगा कि किसको अपने को गुरु बनाना चाहिए, दूसरे को गुरु किसको बनाना चाहिए, यही हमारी बुद्धि थी ना। दूसरे में बुद्धि थी कि अपनी भी, अपने सोची भी थी कि अपने को अपना गुरु बनाना है। बताओ किसी, किसने भी, एक ने भी सोची थी अपने आप को गुरु के कहेंगे यहाँ पे? किसी ने पढ़ा हो ग्रंथ अलग बात है, लेकिन ग्रंथ जिसने नहीं पढ़ा तो उसने कभी, उसने खुद ने विचार किया कि आचार्य अपने कोई गुरु बता देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं सोचा था अपने। यही तो, इसी तो कहते कहते जैन दर्शन यही तो है क्या? जैन दर्शन इसी का सबसे, इसी का नाम है भैया, कि जैन दर्शन के अंदर हमें अपने आप को ही अपना गुरु बताता है। क्या? जैन दर्शन अपने निज आत्मा को ही अपना गुरु बताता है। सारा संसार गुरुओं की खोज कराता है और जैन दर्शन कहता है कि तू ही तेरा गुरु है। कैसी गजब बात है ना? पूरी दुनिया में ऐसा कोई दर्शन है जो अपने को ही अपना गुरु बताता हो? है निज को निज का गुरु, कि निज ही निज का गुरु है। सारी दुनिया जगत में भटकाती है, कहती तुम इधर देखो उधर देखो सब जगह देखो, एक अकेला जैन दर्शन कहता है कि यह आत्मा तू स्वयं ही अपना गुरु है। गजब गाथा है, गजब है कि नहीं? गजब। देखो, और भले संस्कृत पढ़ लो, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से यहाँ कुछ हिंदी अनुवाद नीचे लिखवा दिया हो, इसलिए गुरु सुख कर रहा था। स्वस्मिन सदा अभिलषत्व, स्वस्मिन अपने में अभिलाषा होती है, अभिष्ट ज्ञापकत्व, तो अभिष्ट का ज्ञापक पना भी स्वयं में है, स्वयं हितम, स्वयं हित का प्रयोगता है। और आत्मे व गुरु आत्मना, इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है, कोई दूसरा नहीं है, अपना गुरु आप ही है। निज गुरु आप अमाप, अपना गुरु आप ही है। मैं अन्वय पढ़ता हूँ, फिर मैं किसी और से पढ़वाऊंगा। आत्मा मने स्वयं, स्वस्मिन माने अपने में, सत अभिलाषित्वात्, सत की मैंने कल्याण किया, मोक्ष सुख की अभिलाषा करता होने से, अभिष्ट ज्ञायकत्वता, अभिष्ट को मैंने अपने इच्छित मोक्ष सुख के उपाय को बताता होने से, और हित प्रयोगत्वात्, अपने हित में मोक्ष सुख के उपाय में अपने को जोड़ता होने से, आत्मा एव आत्मना गुरु अस्ति, आत्मा ही आत्मा का गुरु। ये जो एक लाइन है ना, ये इसका सार है। कौन किसका गुरु है? सब पढ़ो एक साथ, मनी मन में भले, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आज की गाथा ये याद रख के चले जाना। कौन किसका गुरु है? हम आपके गुरु है, अथवा आप हमारे गुरु हो, या हम भगवान, भगवान हमारे गुरु है, है? क्यों, कौन किसका गुरु है? हम भगवान के शिष्य है, भगवान हमारे गुरु है। सब दुनिया भर में गुरु बने हुए हैं, किसी को शिष्य तो खैर बनना ही नहीं है, लेकिन चलो हम शिष्य भी बनना चाहिए, हम शिष्य है, अन्य हमारे गुरु है। तो कहते नहीं, कोई दूसरा शिष्य नहीं और कोई दूसरा गुरु भी नहीं, आप ही गुरु है और आप ही शिष्य है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा ही आत्मा का शिष्य है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का बंधु है,
आत्मा ही आत्मा का भाई है, अपने आत्मा से आत्मा का बंधु, अपने आत्मा को अपने स्वयं निज आत्मा से बढ़ के अपना और कौन बंधु हो सकता है बताओ? क्यों? ये अपने जितने मित्र कहते हैं अपनी आत्मा से बढ़ के मित्र हो सकते हैं? अरे जरा स्वार्थ आएगा तो अपने को छोड़ देंगे, अपना निजित करेंगे। ये हमारी आत्मा से बढ़ के हमारा और कोई हितेशी नहीं है, इसलिए वास्तविक हितेशी, वास्तविक गुरु, वास्तविक हमारा बंधु, वास्तविक माता पिता, वास्तविक सदिच्छा करने वाले हमारा निज आत्मा ही है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। पढ़ेगा कोई? पढ़िए एक बार, आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छी गाथा है। कौन पढ़ेगा? कोई नहीं। पढ़िए दीप्ति जी। केवल हिंदी। हाँ, कितने हेतु दिए उन्होंने? तीन हेतु दिए, तीन। पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में, तीन पद में तीन हेतु दिए, और चौथे में उन्होंने कॉन्क्लूजन दिया कि चूंकि ये तीन बातें होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। पहला हेतु क्या दिया? कि आत्मा माने स्वयं अपने में सत की इच्छा करता है। इच्छा करने वाला कौन है? स्वयं। अब देखो, हम दूसरे को कितना ही गुरु बनाए, बिना मांगे मात भी दूध नहीं देते। बिना मांगे माँ भी दूध नहीं देगी। हम चिल्लाएंगे तो माँ दूध देगी। माँ को भी हमारे अंदर की अभिलाषा क्या है वो बोले बिना, समझाए बिना माँ भी नहीं समझ पाती। इसलिए आत्मा ही स्वयं का गुरु इसलिए है क्योंकि आत्मा को खुद को ही मोक्ष की अभिलाषा हो रही है। माने हमको किसी ऐसा नहीं कि अभिलाषा किसी और को है, पूर्ति कोई और कर रहा है। मेरी जरूरत क्या है ये मैं ही जानता हूँ, सारा इन हाउस है काम। माने अभिलाषा भी स्वयं ही कर रहा है और अभिलाषा को जानने वाला भी स्वयं ही है, अभी आगे कहेंगे। तो अपने में स्वयं में कल्याण की अभिलाषा, मोक्ष सुख की अभिलाषा करता होने से एक हेतु तो ये है। दूसरा हेतु क्या है? अपने मोक्ष अभिष्ट को माने अपने इच्छित मोक्ष सुख के उपाय को बताता होने से। मोक्ष सुख का उपाय भी कौन बताता है अपने को? अपन ही बताते हैं। मोक्ष सुख का उपाय भी मेरी आत्मा ही मुझे बताती है। और अपने हित में अपने आप को जोड़ता कौन है? वो भी अपन ही जोड़ते हैं। अपने हित में माने मोक्ष सुख के उपाय में भी अपने को जोड़ता कौन है? अपन ही है। तो ये तीन कारण से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ठीक है, अब कौन बताएगा ये तीन पॉइंट कौन कौन से कहे? किन तीन? ये देखो परीक्षा में आए आपको तो ये परीक्षा का प्रश्न बनेगा कि वे तीन कारण बताइए जिसके कारण आत्मा ही आत्मा का गुरु है। वे तीन कारण बताइए, देख देख के बता देना भले। हाँ बोलिए अनिता जी। हाँ, आत्मा ही कल्याण की अभिलाषा कर रहा है, आत्मा ही कल्याण का उपाय बता रहा है और आत्मा ही कल्याण के उपाय में अपने को जोड़ रहा है। माने अभिलाषा भी उसको ही हुई, उपाय भी उसने सोचा और उपाय निकालने के बाद में उस उपाय में जोड़ा भी उसने। माने तीनों एक ही है, इच्छा करने वाला, इच्छा के बाद में उस चीज की प्राप्ति कैसे होगी उसका उपाय बताने वाला और उस उपाय में जोड़ने वाला, तो वो सब आत्मा ही है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। टीका। टीका पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा टीका? पढ़िए अंकिता जी।
बहुत बढ़िया, देखो क्या कहा, जो शिष्य निरंतर कल्याण की अभिलाषा करता है और इसीलिए उसके उपाय का जिज्ञास हुए, माने जो जीव निरंतर अपने कल्याण की इच्छा करता है और ये निरंतर सोचता है कि उसका उपाय क्या है, उसके उपाय का जिज्ञास हुए उसको, और उसको वो, उसको जो है वो उपाय, उसके उपाय का जिज्ञास हुए पहली बार, और उसको गुरु क्या करता है, उपाय बताता है क्या, और यदि वो उस उपाय में नहीं प्रवर्तता है तो उसको उसमें प्रवर्तता है, वो गुरु है। समझ में आई, देखो क्या बात कही, शिष्य तो मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है और मोक्ष सुख के उपाय को जानने की इच्छा है उसको, भाई मेरे को कोई चीज की प्राप्ति करना है, समझ लो मुझे, मैं धन की अभिलाषा करता हूँ तो मुझे धन कमाने के उपाय की, मेरे को धन कमाने के उपाय का क्या हूं मैं, जिज्ञास हूं। समझ में आ रही है, धन की अभिलाषा होने से धन कमाने का उपाय क्या है इसको जानने का मैं जिज्ञास हूं, तो मेरे को गुरु धन कमाने का उपाय बताता है, और जब मैं उस धन कमाने का उपाय उसके द्वारा बताता तो है वो, लेकिन उस उपाय में फिर मैं फिर भी नहीं लगता हूं तो गुरु मेरे को उस उपाय में प्रवर्तता है, प्रवर्तता है, तो वो वास्तव में मेरा गुरु है। ठीक है, बताइए, समझ में आई, दो बातें तो शिष्य की है और दो बातें क्या है, गुरु की, कौन सी दो बातें शिष्य की और दो बातें गुरु की, ये शिष्य और गुरु का संबंध बता रहे हैं और ये शिष्य और गुरु का रोल भी बता रहे हैं कि शिष्य क्या करता है और गुरु क्या करता है। शिष्य तो मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है और उस मोक्ष सुख के उपाय की, कि उसका उपाय क्या है, उस मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका वो जिज्ञासु है। जैसे हमको समझ लो डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने का उपाय क्या है, ये हमको जिज्ञासा है। ऐसे हमें मोक्ष सुख प्राप्त करना है और मोक्ष सुख का उपाय क्या है, इसकी जिज्ञासा है। तो गुरु हमको उस मोक्ष सुख का उपाय बताता है कि ये करोगे तो मोक्ष सुख का उपाय प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम जानने के बाद भी क्या, हम ढीठ है, वो ढीठ आजकल का आदमी, वो ढीठ, वो उपाय जानने के बाद भी कहता कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, अभी क्या जल्दी, अभी आत्मा कल्याण कर लेंगे। तो इसलिए प्रवचन सार जी में गाथा है कि सामने आए हुए शत्रु के ऊपर और हाथ में तलवार होने के बाद भी जो अपनी पूरी ताकत को बटोर के और शत्रु पे जोर से उसका प्रहार नहीं करता, तो वो फिर बाद में रोता है, क्योंकि हाथ में तलवार होने पर भी यदि निर्दयता से शत्रु पे प्रहार करके उसका खत्म नहीं किया तो बाद में क्या होगा, क्या होगा, बाद में शत्रु प्रहार करेगा और क्या। जब आपके पास में तलवार थी और फिर भी आपने तलवार का उपयोग नहीं किया तो तलवार क्या काम की, और फिर बाद में आपको दुख होगा, क्यों, क्योंकि बाद में फिर जो है शत्रु अपनी पूरी ताकत लगा के तुमको मारे, तो जब वो मारे उसके पहले तुम यदि उसको मार दो तो तुम्हारा हित है, और नहीं तो बाद में तो उसको मार नहीं। ऐसे ही तुम्हारे हाथ में यदि उपाय प्राप्त हो गया मोक्ष सुख का और फिर भी तुम उस मोक्ष सुख के उपाय में प्रवर्तते नहीं हो तो तुम प्रमादी हो, तुम्हारे पास में उपाय हाथ में आने पर भी वो कोई हाथ में आया हुआ नहीं कहलाता। जैसे हाथ में तलवार आने के बाद में भी जो जीव निर्दयता से शत्रु पे उसका उपयोग नहीं करता और शत्रु पे उसका प्रहार नहीं करता तो उसके हाथ में तलवार होने पर भी क्या लाभ है, बताओ कोई लाभ है। आज आप लोग कहो हम बहुत जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमको जिनवाणी का लाभ हुआ है, अरे हम तो पंडित जी स्वाध्यायियों के घर में पैदा हुए, हमारी तो माँ ऐसी थी, पिताजी ऐसे थे और हमारे दादाजी तो परम तत्वाभ्यासी थे, वो तो दिन में ऐसा ऐसा स्वाध्याय करते थे, हमारे दादाजी एक तो जो है ना उन्होंने खुद ने जिनवाणी छपाई, एक तो मुनि हुए, एक आरिका हो गई दादी, और एक हमारे पिताजी पंडित जी थे और एक प्रतिमाधारी थे और एक तो बहुत बड़े तत्वाभ्यासी थे, एक स्वाध्यायी थे, ये सब थे। अब वो सब हो, लेकिन भाई साहब उनके सबके होने से तेने क्या किया, तू तेरी बता, वो तो जो थे सो थे, तेरे हाथ में तलवार तेरे हाथ में थी लेकिन तूने चलाई कितनी तलवार, तूने कितना उसका उपयोग किया, बताओ। मेरे पिताजी डॉक्टर हो लेकिन मैं पढ़ाई में ढडब्बू हूँ, पढ़ाई के नाम से जीच रहा हूँ, दसवीं पास करने में मेरे को 3 साल लग जाए, तो मेरे पिताजी भले कितने गुरु हो, ये हो, डॉक्टर हो, अच्छे हो, लेकिन मेरे पास में कौन इलाज कराने आएगा, बताओ, कोई दे देगा, क्यों आज तक कभी ऐसा हुआ है,
कि पिताजी डॉक्टर हो तो बच्चे को भी बोला आप भी कर दो, अब क्या फर्क पड़ता है, भले ही मैं 10वीं फेल हो और मेरे पिताजी डॉक्टर हो तो मेरे से कौन कौन इलाज कराने को तैयार है बताओ तुम। चलो 64 जनों में बताओ कि मैं डॉक्टर नहीं होऊंगा तो भी, लेकिन मेरे पिताजी अच्छे डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूं तो कौन कौन मेरे से इलाज कराने को तैयार है। एक जने ने हाँ कही है, एक जने ने कही कौन कराने वाला है ऐसा है, कौन है ऐसा भाई। दो जने कह रहे कि आप तैयार है। अच्छा अशोक जी आप तैयार हो, गलती से हाथ खड़ा हो गया है, तो कोई तैयार नहीं है बताओ। हाँ बोलिए अशोक जी। चला गया, तो ये पक्का है ना, इसलिए कि हमारे पिताजी दादाजी कुछ भी हो क्यों, लेकिन उससे हमारा हित नहीं होता, हम स्वयं यदि उस उपाय में लगे तो हमारा हित होता है। एक बात तो है, देखो हाथ में तलवार है इतनी तो अच्छी बात है, हमारे हाथ में तलवार है तो अब हम कम से कम शत्रु पे प्रहार कर सकते हैं, तो हमारे यदि पूर्वज यदि धर्मात्मा हो तो इतना जरूर है कि उनसे हमें धर्म के संस्कार धर्म की शिक्षाएं मिलती है, लेकिन मिली तो है लेकिन उसका उपयोग अपने को करना पड़ेगा। बताओ उन्होंने तो हमें सब कुछ दिया लेकिन उसका उपयोग तो हमको स्वयं को करना होगा। ऐसे ही भले ही आज गुरुजी ने हमें उपाय बताया मुक्ति का, लेकिन उस मुक्ति के उपाय में प्रवर्तना किसको होगा, हमें स्वयं को। यदि हम नहीं प्रवर्तते हैं तो गुरु का ये मतलब गुरु का ये रोल बता रहे हैं कि गुरु उसमें क्या करता है, प्रवर्तता है, तो ऐसा गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है। तो अब ऐसी बात है यदि, तो कह रहे हैं कि ऐसा है यदि कि शिष्य और गुरु के ये रोल है कि भाई शिष्य को कल्याण की इच्छा हो, कल्याण के उपाय की जिज्ञासा हो, गुरु जी उसको उपाय बताए, फिर वो उपाय में नहीं प्रवर्तते तो गुरु जी उसको उपाय में प्रवर्तता है। यदि ऐसा गुरु है यदि कोई, तो वो ऐसा होने से यदि ऐसा होने से तो वो कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। यदि ऐसी बात है मैंने ये तुमने यदि गुरु और शिष्य का जो है कार्य बताया है कि गुरु और शिष्य का ये कार्य है, मैंने गुरु का ये काम है कि वो आत्मा को हित का उपाय बताए और आत्मा को हित के उपाय में प्रवर्तता है। यदि गुरु का ये रोल है कि वो शिष्य को हित का उपाय बताने के अलावा हित के उपाय में प्रवर्तता है, यही यदि गुरु को यही काम गुरु का है, तो ऐसा गुरु तो आत्मा ही आत्मा का हो सकता है, ऐसा गुरु आत्मा ही हो सकता है, अन्य और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कोई प्रश्न यहां तक? ठीक है, अपन अभी इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति करके फिर अपन वो कीर्ति जी के प्रश्न भी है उनके प्रश्नोत्तर का अपन जवाब दे देंगे, और भी किसी के प्रश्नों में तो अपन उसका आंसर करते हैं। अभी अपन जिनवाणी इतनी रखते हैं, ठीक है।